आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नागराज मंजुले की आने वाली फिल्म झुंड के बारे में। झुंड नागराज की तीसरी फिल्म है जो आ रही है 28 मई 2020 को। इससे पहले उन्होंने फैंट्री और सैरा जैसी सामाजिक विषयों पर बहस करने वाली सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं। फैंट्री और सैराट ये दो भी फिल्में मराठी लैंग्वेज में थी, पर इस बार नागराज झुंड फिल्म हिंदी भाषा में बना रहे हैं, यानी कि ये उनका हिंदी डेब्यू है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में महानायक अमिताभ बच्चन जी है, जो विजय बरसे जी की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म को म्यूजिक दिया है देश में के बेहतरीन संगीतकारों में से एक संगीतकार जोड़ी अजय अतुल जी ने। नागराज के साथ उनका सैराट के बाद ये दूसरा कोलैबोरेशन है। फिल्म का फर्स्ट लुक यानी टीजर जो है वो जनवरी 21 को टी सीरीज द्वारा लॉन्च किया गया है। झुंड नहीं कही है सर, टीम कही है। टीम अब बात करते हैं आखिरकार ये झुंड है क्या, क्या है फिल्म की कहानी, किस पर आधारित है ये फिल्म जिसे नागराज बना रहे हैं। झुंड एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जो आधारित है विजय बरसे नाम के सोशल वर्कर के जीवन पर। विजय बरसे एक एनजीओ चलाते हैं स्लम सॉकर नाम से। वो इस एनजीओ के फाउंडर भी है। उनका जन्म हुआ था 1945 में नागपुर में। विजय बरसे जी नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में 31 साल स्पोर्ट्स टीचर थे। बात है जुलाई 2001 की। उनको कुछ काम से यूनिवर्सिटी जाना था और बारिश भी बहुत हो रही थी, तो वो एक पेड़ के नीचे रुक गए। उनके पीछे से उनको कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, उनको कुछ झोपड़पट्टी के बच्चे प्लास्टिक की टूटी बकेट को फुटबॉल बनाकर खेल रहे थे। वो उन बच्चों के पास गए और उनको एक फुटबॉल दिया और उनको कहा कि तुम फुटबॉल खेलना चाहते हो। अगले दिन उन बच्चों को बुलाया और उनका मैच करवाया। ये फुटबॉल खेलने वाले बच्चे स्लम्स यानी झोपड़पट्टियों में रहने वाले थे। बरसे जी को ये आइडिया आया कि क्यों ना इनको सिखाया जाए, इनका टूर्नामेंट लिया जाए। इससे ये बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होकर अपना फ्यूचर तो बनाएंगे ही, साथ ही में गलत आदतें जैसे बीड़ी सिगरेट शराब से दूर रहेंगे। ये आइडिया उन्होंने अपने कलीग्स को बताया और बरसे जी तो खुद ही स्पोर्ट्स टीचर भी थे। रिटायरमेंट के बाद उनको 18 लाख रुपए मिले थे। उन्होंने उन रुपयों से नागपुर से 9 से 10 किलोमीटर दूर जमीन खरीदी थी और वहाँ स्लम सॉकर क्रीड़ा विकास संस्थान नाम से फुटबॉल एकेडमी निकाली थी। स्लम सॉकर के पहले टूर्नामेंट जो नागपुर में हुआ उसमें 128 टीमों ने हिस्सा लिया था। 2003 में बरसे जी ने फर्स्ट झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट था वो शुरू किया, जिसमें महाराष्ट्र के 15 जिलों से बच्चों ने भाग लिया था। उसी साल राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया राजीव गांधी मेमोरियल झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट नागपुर में लिया गया, जिसमें 12 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। सन 2006 में विजय बरसे जी को होमलेस वर्ल्ड कप के बारे में पता चला और उसके अगले साल भारत से डेनमार्क में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम भेजी गई। उनके इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले। सन 2014 में
सत्यमेव जयते के सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड में उनको बुलाया गया था। देश भर से आज हजारों झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे इसमें शामिल होते हैं और अपने हुनर का जलवा बिखेरते हैं। इस तरह से उन बच्चों को स्पोर्ट्स में अपना भविष्य बनाने का एक मौका बरसे जी के प्रयासों से मिल पाया और वे गलत रास्तों पर भटकने से बच पाए। उन्हीं के जीवन पर आधारित ये फिल्म आ रही है 8 मई 2020 को, जिसे बना रहे हैं नागराज मंजुले। फिल्म को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।